नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान जिला दर्शन की यात्रा कर रहे हैं और हम जयपुर की यात्रा में हैं। जयपुर के दो वीडियो हम पढ़ा चुके हैं। आज दोस्तों हम जयपुर जिला दर्शन के अंतर्गत कुछ अलग बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम राजस्थान जिला दर्शन की यात्रा जिला जयपुर। ठीक दोस्तों, हम पढ़ेंगे जिला जयपुर और जिला जयपुर की विशेषताएं। समझ जाओगे दोस्तों भैया? ठीक, हम पढ़ रहे हैं जिला जयपुर और जिला जयपुर की विशेषताओं को। ठीक ठीक, अब हम पढ़ेंगे हैं जिला जयपुर। ठीक, और दोस्तों आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह होगी जयपुर ज़िले के प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो होंगे जयपुर के प्रमुख व्यक्तित्व, या यूँ कहें कि जयपुर ज़िले की प्रमुख हस्तियाँ। ठीक, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो होगा जयपुर के प्रमुख व्यक्तित्व या जयपुर की प्रमुख हस्तियाँ। अब अगर हम जयपुर के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है श्री हीरालाल शास्त्री का। ठीक, अगर हम जयपुर की हस्तियों की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है श्री हीरालाल शास्त्री का। ठीक, प्रश्न उठता है कि जो हीरालाल शास्त्री हैं, इन हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक, प्रश्न उठता है कि जो हीरालाल शास्त्री हैं, इन हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप क्या बताओगे कि जो हीरालाल शास्त्री हैं, इनका जन्म हुआ था जोबनेर में। कहाँ हुआ था? जोबनेर में। और पूछा जाए कि जोबनेर कहाँ आता है, तो आप क्या बताओगे कि जोबनेर जयपुर में आता है, वहाँ इनका जन्म हुआ। हीरालाल शास्त्री का जो मूल नाम था ना, हीरालाल शास्त्री का जो मूल नाम था वो था आपाजी। इन्हें आपाजी के नाम से भी जाना जाता है, हीरालाल शास्त्री को याद रखना। ठीक, हीरालाल शास्त्री का जो विवाह हुआ था वो हुआ था श्रीमती रत्ना शास्त्री से। जो हीरालाल शास्त्री हैं, इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था श्रीमती रत्ना शास्त्री से। समझ जाओगे ना, जो हीरालाल शास्त्री हैं, इनका विवाह किससे हुआ था? श्रीमती रत्ना शास्त्री से। और श्रीमती रत्ना शास्त्री पद्मश्री सम्मान को प्राप्त करने वाली, श्रीमती रत्ना शास्त्री पद्मश्री सम्मान को प्राप्त करने वाली, श्रीमती रत्ना शास्त्री पद्मश्री सम्मान को प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है। समझोगे ना, श्रीमती रत्ना शास्त्री पद्मश्री सम्मान को प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है, याद रखना। एकदम क्लियर, इनका विवाह होता जो श्रीमती रत्ना शास्त्री थे, इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था। ठीक, अगली बात, प्रश्न उठता है कि जो हीरालाल शास्त्री हैं, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? पूछा जाएगा कि जो हीरालाल शास्त्री हैं, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो आप क्या बताओगे कि इनकी आत्मकथा का नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ठीक, अगर हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा का नाम पूछा जाए तो क्या बताओगे? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। दोस्तों जो हीरालाल शास्त्री हैं, ये कविताएं भी लिखा करते थे। ठीक, और दोस्तों इनकी जो कविताओं का संग्रह है, एकदम क्लियर दोस्तों, इनकी जो कविताओं का संग्रह है उसे कहा जाता है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। इनकी जो कविताओं का संग्रह है उसे कहा जाता है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। क्या कहा जाता है? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। आत्मकथा का नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, कविताओं का नाम है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। एकदम क्लियर दो बातें। अगली बात, ठीक दोस्तों, यहाँ तक तो एकदम क्लियर। दोस्तों बात आती है कि जो हीरालाल शास्त्री हैं, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? ठीक, जो हीरालाल शास्त्री हैं, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो याद रखना, हीरालाल शास्त्री के द्वारा एक संस्था बनाई गई थी और उस संस्था का नाम था जीवन कुटीर संस्था। हीरालाल शास्त्री ने एक संस्था बनाई थी, नाम था जीवन कुटीर संस्था। और इस जीवन कुटीर संस्था को वर्तमान में कहा जाता है वनस्थली विद्यापीठ। ये जो जीवन कुटीर संस्था है इसे वर्तमान में कहा जाता है वनस्थली विद्यापीठ।
एकदम क्लियर, क्या कहा जाता है वनस्थली विद्यापीठ। और पूछा जाए कि वनस्थली विद्यापीठ कहाँ आती है, निवाई, और निवाई कहाँ आता है, टोंक में। वनस्थली विद्यापीठ कहाँ आती है, निवाई, और निवाई कहाँ आता है, टोंक में आता है। टोंक के संस्थापक थे अमीन खां पिंडारी। क्लियर, टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, ये भी याद रखना। और टोंक एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ के सैनिक 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए दिल्ली भी गए थे। एकमात्र ऐसी रियासत जिसके जहाँ के सैनिक 1857 क्रांति में बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए दिल्ली गए थे, कौन, टोंक, हाँ या ना, हाँ, ठीक। अगली बात, ठीक, हीरालाल शास्त्री के दोस्तों अगर हम बातें करें तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा एक समझौता भी किया गया था, ठीक, जो हीरालाल शास्त्री हैं इनके द्वारा एक समझौता भी किया गया था और उसे कहा जाता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। हीरालाल शास्त्री ने एक समझौता भी किया था और जिसका नाम है जेंटलमैन एग्रीमेंट। पिछले वीडियो में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट पे, एकदम क्लियर। और दोस्तों जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है ये दो व्यक्तियों के बीच में हुआ था, एक तो थे एम आई खान का मतलब होता है मिर्जा इस्माइल खान, एम आई खान मतलब मिर्जा इस्माइल खान, और एक थे एच एल शास्त्री। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, नाम था जेंटलमैन एग्रीमेंट, एकदम क्लियर किया, ठीक। हीरालाल शास्त्री की अगर हम बातें करें तो सब समझना, हीरालाल शास्त्री बृहद राजस्थान संघ के, जो हीरालाल शास्त्री हैं यह बृहद राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, समझोगे ना, जो हीरालाल शास्त्री हैं यह बृहद राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, बृहद राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, ठीक। और ध्यान रखना यह बृहद राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री थे। अब सब दो बात समझना, जो हीरालाल शास्त्री है ना, जो दोस्तों हीरालाल शास्त्री हैं यह दो बार प्रधानमंत्री बने, एक बार तो प्रधानमंत्री बने ये बृहद राजस्थान संघ के, ठीक, एक बार तो ये क्या बने बृहद राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री। और पूछा जाए कि बृहद राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कब बने तो आप क्या बताओगे, 30 मार्च 1949 को, कब बने, 30 मार्च 1949 को। बृहद राजस्थान संघ राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण था, फोर्थ फेज, चौथा चरण था। यह हीरालाल शास्त्री जो दूसरी बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे ये बनेंगे संयुक्त बृहद राजस्थान संघ के, एकदम क्लियर, ये जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे ये बनेंगे संयुक्त बृहद राजस्थान संघ के। और जो संयुक्त बृहद राजस्थान संघ है ये बनाया गया था 15 मई 1949 को, ठीक, और ये राजस्थान एकीकरण का पांचवा चरण था, ठीक। यहाँ थी 14 रियासतें और यहाँ थी 18 रियासतें, याद रखना। आगे की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों जो हीरालाल शास्त्री हैं इन्हें कहा जाता है राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, ठीक, जो हीरालाल शास्त्री हैं इन्हें कहा जाता है राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। किसे कहा जाता है, हीरालाल शास्त्री को कहा जाता है, एकदम क्लियर किया, ठीक। फिर बात आती है कि इन्हें राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कब बनाया गया था तो आप क्या बताओगे, 26 जनवरी 1950 को। इन्हें राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कब बनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था, ठीक। अगर हम मनोनीत मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो राजस्थान में तीन व्यक्ति मनोनीत मुख्यमंत्री बने हैं। राजस्थान का जो पहला मनोनीत मुख्यमंत्री है उन्हें कहा जाता है हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के जो दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री हैं उन्हें कहा जाता है C.S. वेंकटाचार्य, ठीक, उन्हें क्या कहा जाता है, C.S. वेंकटाचार्य, ठीक। और जो राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री हैं उन्हें कहा जाता है जय नारायण व्यास, ठीक, जो राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री हैं उन्हें कहा जाता है जय नारायण व्यास। मित्रों जो C.S. वेंकटाचार्य हैं इन्हें कहा जाता है केंद्र प्रेषित मुख्यमंत्री, अर्थात इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार ने की थी इसलिए इनका नाम हो गया केंद्र प्रेषित मुख्यमंत्री, एकदम क्लियर। अच्छा इधर ना, ये एकमात्र केंद्र प्रेषित मुख्यमंत्री हैं, क्लियर, राजस्थान का एकमात्र मुख्यमंत्री जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार ने की हो C.S. वेंकटाचार्य, ठीक।
एकमात्र प्रशासनिक मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक, यह प्रशासनिक अधिकारी थे और इन्हें भारत सरकार के द्वारा राजस्थान में कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो एकमात्र प्रशासनिक मुख्यमंत्री वो भी कौन होंगे? C.S. वेंकटाचार्य। ठीक, तीसरी बात, प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री ठीक वो भी कौन होंगे आपके? C.S. वेंकटाचार्य। समझोगे ना, प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री वो भी कौन होंगे? C.S. वेंकटाचार्य। अच्छा दोस्तों रखना, राजस्थान के जो प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री हैं वो तो हैं C.S. वेंकटाचार्य, और जो दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है शिवचरण माथुर। जो दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री उनका नाम है शिवचरण माथुर। अगर हम जय नारायण की बात करते हैं तो दोस्तों जो जय नारायण व्यास है ना, ये पहले तो बने मनोनीत मुख्यमंत्री। क्लियर, पहले तो क्या बने? ये मनोनीत मुख्यमंत्री। उसके बाद दोस्तों यह चुनाव लड़कर जीते और फिर मुख्यमंत्री बने। ठीक दोस्तों, और फिर इन्हें कहा गया निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी है और निर्वाचित भी है, कौन सा होगा वो? जय नारायण व्यास। हाँ या ना भैया? हाँ, समझ लीजिए। दोबारा हम पढ़ रहे हैं जिला जयपुर की प्रमुख हस्तियाँ। हीरालाल शास्त्री, जन्म हुआ था जोबनेर जयपुर में, मूल नाम था आपाजी, विवाह हुआ श्रीमती रत्ना शास्त्री से, जो कि पद्मश्री सम्मान को प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी। इनकी आत्मकथा का नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। कविताओं को कहा जाता है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। स्थापना हुई थी इनके द्वारा जीवन कुटी संस्था की स्थापना की गई थी, जिसे हम वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ कहते हैं, निवाई टोक में है। ठीक दोस्तों, इन्होंने जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था MI खान के साथ, और दोस्तों इसी जेंटलमैन एग्रीमेंट के कारण जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए किया गया अंतिम राष्ट्रीय आंदोलन था, और भारत छोड़ो आंदोलन देश का एकमात्र नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहलाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन देश का पहला और एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसमें तुरंत आज़ादी की मांग की गई थी। एकदम क्लियर। इन्होंने वृहद राजस्थान संघ के मुख्य प्रधानमंत्री के पद को शोभा बढ़ाई, तो ये संयुक्त वृहद राजस्थान के भी प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक, ये एक राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कहलाते हैं। 3 बार मनोनीत मुख्यमंत्री कौन कौन बने, एकदम ध्यान रखना है, एकदम क्लियर दोस्तों। पहली बार अब बात आती है कि हीरालाल शास्त्री के बाद हम किसकी चर्चा करते हैं। ठीक, तो जो जयपुर की दूसरी प्रमुख हस्ती होगी ना, ठीक, उसका नाम होगा अर्जुन लाल सेठी। ठीक, जो जयपुर की दूसरी प्रमुख हस्ती होगी उसका नाम होगा अर्जुन लाल सेठी। क्या नाम होगा? अर्जुन लाल सेठी। एकदम क्लियर, समझना। देखिए यहाँ से हम दो बातों की चर्चा करते हैं, समझना। देखो, ठीक समझो दोस्तों, ये है हमारा राजस्थान। ठीक, ये है हमारा राजस्थान। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना को किसने जागृत किया? ठीक, राजस्थान में सबसे पहले राजनीतिक चेतना की जागृति किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को जागृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दयानंद सरस्वती को। एकदम क्लियर। तो राजस्थान में सर्वप्रथम तो समझो तुम, राजनीतिक चेतना की बात तो क्या क्या आएगा? दयानंद सरस्वती। अब राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान में सर्वप्रथम स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी विचारधारा को जागृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप क्या बताओगे? राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांतिकारी विचारधारा को जागृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप क्या बताओगे? अर्जुन लाल सेठी।
क्लियर दोस्तों, क्या बताओगे आप? अर्जुन लाल सेठी, एकदम क्लियर पहली बार। तो अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सब आपकी राजस्थान में क्रांतिकारी विचारधारा की उत्पत्ति की थी। तो राजस्थान में राजनीतिक चेतना का जनक तो है दयानंद सरस्वती, और स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी विचारधारा का जनक है अर्जुन लाल सेठी, पहली बार। ठीक दोस्तों, जो अर्जुन लाल सेठी हैं इनके द्वारा क्रांतिकारी विचारधारा को उत्पन्न करने के लिए, तब इनके द्वारा क्रांतिकारी विचारधारा को उत्पन्न करने के लिए या देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी तैयार करने के लिए या क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक विद्यालय की स्थापना की गई थी, और उस विद्यालय का नाम था जैन वर्धन पाठशाला। क्या नाम था? जैन वर्धन पाठशाला। तो इन्होंने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए, उन्हें संरक्षण देने के लिए जैन वर्धन पाठशाला की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में आ चुका है। ठीक दोस्तों, जब अर्जुन लाल सेठी क्रांतिकारी विचारधारा में सम्मिलित नहीं हुए थे, देश की आज़ादी के यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो दोस्तों ये उससे पहले जयपुर के जिलाधीश थे। ठीक दोस्तों, यह जयपुर के जिलाधीश थे, मतलब जिला कलेक्टर थे, समझ रहे हो ना? जब दोस्तों, जब अर्जुन लाल सेठी देश की आज़ादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो दोस्तों उसको पहले कहते हैं जयपुर के जिलाधीश थे, और इन्होंने जयपुर के जिलाधीश का पद ये कहते हुए छोड़ दिया था कि अगर अर्जुन ही नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा, अगर अर्जुन ही नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा, ये कहा था अर्जुन लाल सेठी ने जिलाधीश के पद से त्याग पत्र देते हुए। एकदम क्लियर। अच्छा, अगर हम दोस्तों जिलाधीश की बात कर ही रहे हैं, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो जिलाधीश का पद है ये पद किसने बनाया था और कब बनाया था, ठीक, तो आप समझना दोस्तों, जो जिलाधीश का पद है ना, ये बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, समझ ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ये पद बनाया गया था। एकदम क्लियर क्लियर। और पूछा जाएगा कि इस पद का निर्माता कौन था, ठीक, इस पद का निर्माता कौन था, तो बंगाल का जो पहला गवर्नर है उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जिलाधीश का पद बनाया गया था, जिसे हम जिला कलेक्टर बोलते हैं। ठीक, और पूछा जाए कि भारत के प्रथम जिलाधीश कौन होंगे, ठीक, पूछा जाए कि भारत के प्रथम जिलाधीश कौन थे, तो मिस्टर रॉल्फ शेल्डन। ठीक, मिस्टर रॉल्फ शेल्डन को कहा जाता है भारत का प्रथम जिलाधीश, और दोस्तों इन्हें बंगाल में जिलाधीश बनाया गया था। ठीक दोस्तों, कहाँ बनाया गया था? बंगाल में। और दोस्तों जो जिलाधीश होता है ना, यह जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है। जो जिलाधीश होता है ना, यह जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है, समझ जाओगे ना, जो जिलाधीश होता है यह जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है। और दोस्तों इस जिलाधीश को कहा जाता है प्रशासन की आँख, ठीक, प्रशासन की आँख, प्रशासन का कान और प्रशासन का मुंह। किसे कहा जाता है? जिलाधीश को कहा जाता है। प्रशासन की आंख, प्रशासन का कान, प्रशासन का मुंह, जिलाधीश को कहा जाता है। मिस्टर रॉल्फ शेल्डन बंगाल के पहले जिलाधीश थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत यह पद बनाया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर थे, जबकि बंगाल के अंतिम गवर्नर थे विलियम बेंटिक, और विलियम बेंटिक बंगाल के तो अंतिम तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर थे, तो केनिंग भारत के अंतिम गवर्नर थे, और केनिंग भारत के प्रथम वायसराय, तो साहब आपके माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे, और सी राजगोपालाचारी एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने वायसराय के पद की शोभा को बढ़ाया था। हाँ या ना? हाँ, एकदम क्लियर क्या दोस्तों यहां तक? तो ठीक दोस्तों, जिलाधीश एक ऐसा व्यक्ति होता है, जिलाधीश एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जिले में केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। जिलाधीश एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जिले में केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो ये केंद्रीय प्रतिनिधि कहलाता है, और जब राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं तो तब आपके ये राज्य प्रतिनिधि कहलाता है, ऐसा कहा जाता है। एकदम क्लियर किया भी हो? ठीक, अगली बार समझना। ठीक दोस्तों,
एक हत्याकांड हुआ था और उस हत्याकांड का नाम था साधु प्यारे लाल हत्याकांड। ठीक, एक हत्याकांड हुआ था और उसका नाम था साधु प्यारे लाल हत्याकांड। क्लियर, एक हत्याकांड हुआ था, नाम क्या था? साधु प्यारे लाल हत्याकांड। ठीक, और दोस्तों इस साधु प्यारे लाल हत्याकांड में, इस साधु प्यारे लाल हत्याकांड में दो व्यक्तियों को जेल हुई थी। ठीक, इस साधु प्यारे लाल हत्याकांड में दो व्यक्तियों को जेल हुई थी। एक का नाम तो था केसरी सिंह बाराहट, एक का नाम तो क्या था? केसरी सिंह बाराहट। तो एक का नाम था अर्जुन लाल सेठी। क्लियर, इन दोनों को साहब आपके साधु प्यारे लाल हत्याकांड में जेल हुई थी। ठीक, ये क्वेश्चन साहब आपके पूछा जा चुका है RAS 2018 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, साधु प्यारे लाल हत्याकांड वाला। एकदम क्लियर, वहां अर्जुन लाल सेठी नहीं थे, केसरी सिंह बाराहट थे। एकदम क्लियर। अगली बार दोस्तों, जो अर्जुन लाल सेठी है ना, दोस्तों जो अर्जुन लाल सेठी हैं, इन अर्जुन लाल सेठी का जो अंतिम समय है, ठीक, जो अर्जुन लाल सेठी हैं इनका दोस्तों जो अंतिम समय है ना, वह सब आपके अजमेर दरगाह में व्यतीत हुआ था। ठीक, अर्जुन लाल सेठी का जो अंतिम समय है वह अजमेर दरगाह में व्यतीत हुआ था। समझोगे ना, इनका जो अंतिम समय है वह अजमेर दरगाह में व्यतीत हुआ था। ठीक, और दोस्तों मरणोपरांत, दोस्तों मरणोपरांत अर्जुन लाल सेठी को, दोस्तों मरणोपरांत जो अर्जुन लाल सेठी हैं इन्हें दफनाया गया था। ठीक, मरणोपरांत जो अर्जुन लाल सेठी हैं इन्हें अजमेर में ही दफनाया गया था। एकदम क्लियर। और यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा कि निम्न में से वह कौन सा हिंदू क्रांतिकारी है जिसे मुस्लिम समझ के दफना दिया गया था? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी एकमात्र ऐसे हिंदू क्रांतिकारी थे जिन्हें मुस्लिम समझ के दफना दिया गया था। एकदम क्लियर। दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में भी इनका योगदान था, ये भी आप याद रखना। क्लियर, राजस्थान सेवा संघ की साहब आपकी जो स्थापना हुई उनमें भी इनका योगदान था, ये आप अच्छी तरह याद रखना। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना था वो आपके 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक, फिर बात आती है कि सब आपके जो अर्जुन लाल सेठी हैं, बात आती है कि जो अर्जुन लाल सेठी हैं, इन अर्जुन लाल सेठी के साहब आपके द्वारा 3 नाटक और 2 किताबें लिखी गई थी। क्लियर दोस्तों, इनके द्वारा 3 नाटक और 2 किताबें लिखी गई थी। ठीक, फिर बात आती है कि इन साहब आपके 3 नाटक कौन से थे और 2 किताबें कौन सी थी। ठीक, तो अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जो 3 नाटक लिखे गए वो 3 नाटक कौन कौन से थे, पूछा जाए कि अर्जुन लाल सेठी ने जो 3 नाटक लिखे वो 3 नाटक कौन कौन से थे। ठीक, तो इनके द्वारा 3 नाटक लिखे गए थे और दोस्तों उन 3 नाटकों में एक नाटक का नाम है पार्श्व यज्ञ। ठीक, इन 3 नाटकों में जो पहला नाटक है उसका नाम है पार्श्व यज्ञ, एक नाटक का नाम है मदन पराजय, क्या नाम है? मदन पराजय, और दोस्तों एक नाटक का नाम है महेंद्र कुमार। ठीक, ये इनके 3 नाटक हैं, पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय और महेंद्र कुमार। ठीक दोस्तों, इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई थी। ठीक, इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई थी और इनकी एक पुस्तक का नाम था शूद्र शिक्षा, इनकी एक पुस्तक का नाम था शूद्र शिक्षा, तो इनकी एक पुस्तक का नाम था स्त्री शिक्षा। समझ जाओगे ना, इनकी एक पुस्तक का नाम था शूद्र शिक्षा, तो एक पुस्तक का नाम था सब आपके क्या था दोस्तों, क्या नाम था दोस्तों आपके? स्त्री शिक्षा। ये याद रखना अच्छी तरह से, आप समझ गए दोस्तों अच्छी तरह याद रख दो। ठीक, फिर बात आती है कि जयपुर में और कौन सी हस्ती प्रसिद्ध हुई, जयपुर में और कौन सी हस्ती प्रसिद्ध हुई। तो अगर दोस्तों हम जयपुर की अगली हस्ती की बात करते हैं तो सब आपके जयपुर में डॉक्टर पी के सेठी हुए थे। ठीक, डॉक्टर पी के सेठी हुए थे और इनका पूरा नाम है प्रमोद करण सेठी, इनका जो पूरा नाम है वह है प्रमोद करण सेठी। ठीक, इनका पूरा नाम क्या है? प्रमोद करण सेठी। फिर बात आती है कि जो पी के सेठी हैं इन्हें किसके लिए जाना जाता है। ठीक, तो दोस्तों जयपुर फुटवियर, ठीक, जयपुर फुटवियर के जनक। ठीक, जयपुर फुटवियर के जो जनक हैं वो सब आपके कौन हैं? पी के सेठी। वर्तमान दोस्तों का देहांत हो चुका है और इन्हें जयपुर फुटवियर का जनक कहा जाता है, पी के सेठी को। दोस्तों आप अच्छी तरह याद रखना, एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक तो। ठीक,
अगली बात दोस्तों हम बात करते हैं कि साहब आपके जयपुर में और कौन सी हस्ती का जन्म हुआ। तो दोस्तों अगर हम जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में एक हस्ती थी और उनका नाम था पंडित झाबरमल शर्मा। ठीक, जयपुर में एक हस्ती थी और उनका नाम था पंडित झाबरमल शर्मा। फिर बात आती है कि जो झाबरमल शर्मा है इन्हें क्या कहा जाता है। तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके जो झाबरमल शर्मा है इन्हें कहा जाता है राजस्थान पत्रकारिता का पितामह। जो झाबरमल शर्मा है इन्हें कहा जाता है राजस्थान पत्रकारिता का पितामह। क्या कहा जाता है? राजस्थान पत्रकारिता का पितामह। साहब किसे कहा जाता है? झाबरमल शर्मा। झाबरमल शर्मा का जन्म जयपुर में हुआ था और इन्हें कहा जाता है साहब आपके राजस्थान पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि साहब आपके जो झाबरमल शर्मा हैं इनके द्वारा साहब आपके दोस्तों कौन कौन से समाचार पत्रों का परिवहन दोस्तों प्रकाशन और संपादन किया गया। समझना, जो झाबरमल शर्मा हैं इनके द्वारा साहब आपके कौन कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। ठीक, और साहब आपके दोस्तों इनके द्वारा किन किन पत्रिकाओं या पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। एकदम क्लियर। फिर अगर हम दोस्तों इनके समाचार पत्रों की बात करते हैं, ठीक, अगर हम इनके समाचार पत्रों की बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, क्लियर, तो आप क्या बताओगे कि इनके द्वारा एक तो ज्ञानोदय समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। एकदम क्लियर। इनके द्वारा साहब आपके एक मारवाड़ी बंधु इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। इनके द्वारा एक भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। समझोगे ना, इनके द्वारा एक भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। ठीक, इनके द्वारा साहब आपके एक कलकत्ता समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। ठीक, इनके द्वारा एक कलकत्ता समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। और दोस्तों इनके द्वारा एक हिंदू सम्राट समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। ये सब आपके इनके द्वारा प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र थे झाबरमल शर्मा के द्वारा। ठीक दोस्तों, जो झाबरमल शर्मा है ना इनकी अनेक रचनाएं हैं, लेकिन मैं एक रचनाओं के या दो रचनाओं के नाम बता रहा हूँ। ठीक, तो दोस्तों इनकी रचनाओं में दो रचना बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक, एक का नाम था राजस्थान और नेहरू परिवार। ठीक, इनकी एक रचना का नाम था राजस्थान और नेहरू परिवार। ठीक, इनकी जो एक रचना थी उसका नाम था राजस्थान और नेहरू परिवार। तो इनकी जो एक अन्य रचना थी दोस्तों उसका नाम था गुलेरी गरिमा। इनकी एक अन्य रचना थी और उसका नाम क्या था? गुलेरी गरिमा। हाँ या ना? हाँ, चलो अब अगली चर्चा कर लेते हैं। ठीक, जब पत्रकारिता की बात आती है तो आप समझना, देखो ये पत्रकारिता के पितामह, पत्रकारिता के पितामह। ठीक, अब देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान पत्रकारिता के पितामह कौन है, ठीक, पूछा जाए कि राजस्थान पत्रकारिता के पितामह कौन है, तो आप क्या बताओगे कि राजस्थान पत्रकारिता के पितामह तो कौन है? झाबरमल शर्मा। ठीक, और पूछा जाए कि भारतीय पत्रकारिता के पितामह कौन है, तो आप क्या बताओगे? राजा राम मोहन राय। समझोगे ना, भारतीय पत्रकारिता के पितामह कौन है? राजा राम मोहन राय। एकदम क्लियर। राजस्थान पत्रकारिता के पितामह झाबरमल शर्मा, तो भारतीय पत्रकारिता के पितामह राजा राम मोहन राय। ठीक दोस्तों, जो राजा राम मोहन राय है ना इनके द्वारा संवाद कौमुदी समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। ठीक, राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। ठीक, और संवाद कौमुदी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र है। संवाद कौमुदी किसी भी भारतीय द्वारा प्रकाशित संपादित पहला समाचार पत्र है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, और राजा राम मोहन राय को सब आपके सती प्रथा के लिए भी जाना जाता है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही 4 सितंबर 1800
1829 को भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के द्वारा अधिनियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था, याद रखना ठीक। और राजा राम मोहन राय साहब आपके दोस्तों, जो राजा राम मोहन राय है इन्हें कहा जाता है अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय पत्रकारिता का पितामह, युगदूत, राष्ट्रदूत आदि बहुत नामों से इनको जाना जाता है। एकदम क्लियर, ध्यान रखना अभी हम चर्चा नहीं करेंगे राजा राम मोहन राय की, ठीक। अगली बात हम करते हैं, समझना, बात आती है कि जब पत्रकारिता की बात ही आ रही है दोस्तों, बात आती है कि जब पत्रकारिता की बात ही आ रही है तो तब आपकी बात आती है कि पत्रकारिता के लिए भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी, क्लियर। बात आती है कि पत्रकारिता के लिए भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या बताओगे कि भारत में सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी वो की थी जेम्स हिक्की ने। भारत में सबसे पहले जो पत्रकारिता के लिए प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी वो की थी जेम्स हिक्की ने। ये पुर्तगाली था, कौन था, पुर्तगाली, पहली बात ठीक। अगली बात आती है कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, बंगाल गजट, एकदम क्लियर। अच्छा फिर बात आती है कि भारत में प्रतिबंधित पहला समाचार पत्र कौन सा है, पूछ लिया जाए कि भारत में प्रतिबंधित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, ठीक, तो आप क्या बताओगे कि भारत में प्रतिबंधित जो पहला समाचार पत्र है उसका नाम है सोम प्रकाश। क्या नाम है, सोम प्रकाश। और पूछा जाए कि सोम प्रकाश किस भाषा का था, तो बांग्ला भाषा का था, किस भाषा का था, बांग्ला भाषा का। और पूछा जाए किसका था, तो आप क्या बताएंगे कि सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समाचार पत्र था, समझ लोगे ना, जो सोम प्रकाश है यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समाचार पत्र था, ठीक। और पूछा जाए कि इस सोम प्रकाश को किसने प्रतिबंधित किया था, वेलेज अली ने, क्लियर, किसने किया था, वेलेज अली ने। और जो वेलेज अली है इसे जाना जाता है सहायक संधि प्रथा के लिए, क्लियर, इसे तब किसके लिए जाना जाता है, सहायक संधि प्रथा के लिए, ठीक। और वेलेज अली खुद को कहा करता था बंगाल का शेर, जो वेलेज अली है ना ये खुद को क्या कहा करता था, बंगाल का शेर। और पूछ लिया जाए कि जो सहायक संधि प्रथा है इस सहायक संधि प्रथा का जनक कौन है, पूछा जाए कि साहब आपके जो सहायक संधि प्रथा है इसका जनक कौन है, तो साहब आपके जनक नाम, साहब आपके जो सहायक संधि प्रथा है ना इसका साहब आपके जनक है फ्रांसीसी गवर्नर जनरल, एकदम क्लियर, इसका साहब आपके जो जनक है वो है फ्रांसीसी गवर्नर जनरल और उसका नाम था डुप्ले। क्या नाम था, डुप्ले। डुप्ले को कहा जाता है सहायक संधि प्रथा का जनक। और भारत में प्रतिबंधित पहला समाचार पत्र है सोम प्रकाश, ठीक। और अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, पूछ लिया जाए कि भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक। चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता। और पूछा जाए कि राजस्थान का चार्ल्स मेटकॉफ किसे कहा जाता है, पूछा जाए कि राजस्थान का चार्ल्स मेटकॉफ किसे कहा जाता है, राजस्थान का चार्ल्स मेटकॉफ किसे कहा जाता है, बापा रावल को। राजस्थान का चार्ल्स मेटकॉफ किसे कहा जाता है, बापा रावल को। और पूछा जाए किसने कहा था, सीपी वेद ने कहा था, किसने कहा था, सीपी वेद ने कहा था, समझ जाओगे कि अच्छी तरह, हाँ बरो, हाँ 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 हाँ, एकदम क्लियर यहाँ तक तुम, ठीक। फिर बात करते हैं अगली, फिर अब आपकी बात आती है कि साहब इसके अलावा साहब आपके जयपुर में और कौन हुआ, फिर बात आती है कि साहब इसके अलावा जयपुर में और कौन सी अस्थि हुई, तो दोस्तों जयपुर में साहब आपके एक अस्थि और होगी, क्लियर दोस्तों, जयपुर में एक अस्थि और होगी और उनका नाम होगा विश्व मोहन भट्ट, ठीक दोस्तों, जयपुर में एक अस्थि और होगी और उसका नाम होगा
विश्व मोहन भट्ट। ठीक, फिर बात आती है कि जो विश्व मोहन भट्ट हैं ये है कौन, तो तब आपके यह संगीतज्ञ हैं। ठीक, कौन है संगीतज्ञ। ठीक, और पूछा जाएगा तब आपके क्या है, तो आपके बताओगे ये सितार वादक हैं। क्या हैं? सितार वादक। और दोस्तों इनके द्वारा एक वाद्य यंत्र बनाया गया था, इनके द्वारा एक वाद्य यंत्र बनाया गया था और उसका नाम था मोहन वीणा। ठीक, इनके द्वारा एक वाद्य यंत्र बनाया गया था और उसका नाम था मोहन वीणा। तब आपके इन्होंने मोहन वीणा का निर्माण किया था, तब किसने किया था आपके विश्व मोहन भट्ट ने दोस्तों, इनके द्वारा आपके मोहन वीणा का निर्माण किया गया था। एकदम क्लियर। फिर साहब आपकी इसके अलावा बात आती है कि इसके अलावा साहब आपके जयपुर में और कौन हुआ, भी बात आती है कि इसके अलावा साहब आपके जयपुर में कौन हुआ। दोस्तों जयपुर में एक प्रशासनिक अधिकारी होंगे जो बहुत फेमस हुए थे, जयपुर में एक प्रशासनिक अधिकारी होंगे जो बहुत फेमस हुए थे और उनका नाम है अनिल बोरदिया। ठीक, जयपुर में एक प्रशासनिक अधिकारी होंगे, उनका नाम था अनिल बोरदिया। ठीक, समझना, अनिल बोरदिया प्रशासनिक अधिकारी हैं, याद रखना, अनिल बोरदिया प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो अनिल बोरदिया हैं इन्हें कहा जाता है लोक जुम्बिश कार्यक्रम का जनक। जो अनिल बोरदिया हैं इन्हें कहा जाता है लोक जुम्बिश कार्यक्रम का जनक। ठीक, इन्हें कहा जाता है लोक जुम्बिश कार्यक्रम का जनक। एकदम क्लियर। और दोस्तों इनके द्वारा एक कार्यक्रम और चलाया गया था और उस कार्यक्रम का नाम था दूसरा शतक। क्लियर, अनिल बोरदिया एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और साहब आपके इन्हें लोक जुम्बिश और दूसरा शतक कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। फिर बात आती है कि इसके अलावा साहब आपके यहाँ कौन होंगे, तो साहब आपके यहाँ एक और हस्ती होगी, नाम होगा अपूर्वी चंदेला। क्लियर, कौन होगी? अपूर्वी चंदेला। और पूछा जाएगा कि साहब आपके जो अपूर्वी चंदेला है वो कौन है, निशानेबाज हैं। क्यों तो आपके निशानेबाज से कहा कि साहब आपके ये जयपुर की हैं। दोस्तों यहाँ एक हस्ती और होगी और उनका नाम था गौरव अग्रवाल। क्या नाम था रे भैया? गौरव अग्रवाल। और दोस्तों गौरव अग्रवाल ने IAS 2013 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। क्लियर दोस्तों, गौरव अग्रवाल ने IAS 2013 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और साहब आपके ये कहाँ के थे? जयपुर के निवासी थे। एकदम क्लियर दोस्तों, ये कहाँ के थे? जयपुर के निवासी थे। कौन थे भैया आपके? गौरव अग्रवाल। ठीक है क्या? फिर बात आती है कि इसके अलावा साहब आपके जयपुर में और कौन होगा, तो साहब आपके जयपुर में एक हस्ती और होगी और उनका नाम होगा कृपाल सिंह शेखावत। ठीक, जयपुर में एक हस्ती और होगी, उनका नाम होगा कृपाल सिंह शेखावत। आप सब ने दोस्तों नाम के साथ ही आपको पता लग गया होगा कि साहब आपके मैं क्या बोलने वाला हूँ कि कृपाल सिंह शेखावत कौन है, सब जानते हो ना भैया? हाँ बरो भैया। ठीक, कृपाल सिंह शेखावत को साहब आपके इनको दोस्तों जाना जाता है ब्लू पॉटरी के लिए। जो साहब आपके कृपाल सिंह साहब शेखावत हैं, साहब आपके इन्हें जाना जाता है ब्लू पॉटरी के लिए। एकदम क्लियर दोस्तों, इन्हें साहब आपके जाना जाता है ब्लू पॉटरी के लिए। ठीक, इन्होंने ब्लू पॉटरी को लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने ब्लू पॉटरी को साहब आपके क्या बनाया था? लोकप्रिय बनाया था। चीनी के बर्तनों पर नीले रंग का कलात्मक चित्रांकन ब्लू पॉटरी कहलाता है, ध्यान रखना। फिर बात आती है कि जो ब्लू पॉटरी कला है, ये कला मूल रूप से कहाँ की है? पर्शिया की। जो ब्लू पॉटरी कला है ये मूल रूप से कहाँ की है? पर्शिया। ठीक, और साहब आपके पर्शिया कहाँ आता है? ईरान में। कहाँ आता है? ईरान में, वहाँ की है। ठीक, फिर दोस्तों ये ब्लू पॉटरी कला कहाँ आई? साहब आपके भारत। ठीक, ये जो ब्लू पॉटरी कला है ये कहाँ आई? भारत आई। ठीक, फिर बात आती है कि जो ब्लू पॉटरी कला भारत आई, तो इसका भारत आगमन कब हुआ? तो दोस्तों जानना, अकबर के शासनकाल में। ठीक, अकबर के शासनकाल में जो ब्लू पॉटरी कला है ये सब आपके कहाँ आई दोस्तों? आपके भारत आई। कब आई? अकबर के समय आई। ठीक, और बताती है कि इस ब्लू पॉटरी कला को राजस्थान में भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मानसिंह प्रथम को। ठीक,
इस ब्लू पोट्री कला को भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मानसिंह प्रथम को। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि इस ब्लू पोट्री कला का केंद्र क्या है, तो आप क्या बताओगे कि जो ब्लू पोट्री कला इसका केंद्र है जयपुर। क्या है भैया? जयपुर है। ठीक। अच्छा, अगर हम अगली बात करते हैं तो भी बात आती है कि ब्लू पोट्री कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? ब्लू पोट्री कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो आप समझना, सवाई रामसिंह द्वितीय। ठीक, सवाई रामसिंह द्वितीय का शासनकाल, सवाई रामसिंह द्वितीय का शासनकाल ब्लू पोट्री कला का स्वर्ण काल कहलाता है। समझा ना? सवाई रामसिंह द्वितीय का शासनकाल ब्लू पोट्री कला का स्वर्ण काल कहलाता है मेरे विद्वान साथियों। ठीक दोस्तों, राजस्थान में तीन तरह की पॉटरी है। ठीक, राजस्थान में तीन तरह की पॉटरी है। एक तो है ब्लू पॉटरी। ठीक, और पूछा जाए जो ब्लू पॉटरी है ये कहाँ की है? जयपुर की। ठीक दोस्तों, राजस्थान में एक है ब्लैक पॉटरी। ठीक साहब, आपके राजस्थान में क्या है? ब्लैक पॉटरी। एक तो है ब्लू पॉटरी और साहब आपके राजस्थान में एक क्या है? ब्लैक पॉटरी। ठीक, और पूछा जाए कि ब्लैक पॉटरी कहाँ की है, तो आप क्या बताओगे? कोटा की। क्लियर। और दोस्तों, राजस्थान में एक है पेपर पॉटरी। क्या है? पेपर पॉटरी। और पूछा जाए कि जो पेपर पॉटरी है कहाँ की है? अलवर की है। हाँ या ना भी हो? हाँ, समझिए दोस्तों, अब तक ये था आपके राजस्थान की प्रमुख हस्तियाँ हैं दोस्तों जिनको हम पढ़ रहे हैं। एकदम क्लियर। फिर साहब आपके दोस्तों राजस्थान पर बात आती है, साहब जयपुर में और अगली हस्ती कौन होगी? बात आपकी आती है कि साहब आपके जयपुर में अगली हस्ती कौन होगी, तो साहब आपके जयपुर में एक हस्ती होगी और उनका नाम होगा हकीम इब्राहिम खां। ठीक, जयपुर में एक हस्ती होगी, नाम होगा हकीम इब्राहिम खां। और दोस्तों, जो हकीम इब्राहिम खां है इन्हें कहा जाता है डाक टिकट वाला बाबा। जो हकीम इब्राहिम खां है इन्हें कहा जाता है डाक टिकट वाला बाबा साहब, क्योंकि इनको डाक टिकट को संग्रह करने का शौक़ है साहब, इसलिए दोस्तों क्या कहलाते हैं आपके डाक टिकट वाले बाबा कहलाते हैं। एकदम क्लियर है दोस्तों? अगर दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। नहीं है दोस्तों डाउट? ठीक। फिर बात आती है कि जयपुर की सामान्य विशेषता बताइए। एकदम क्लियर। बात आती है कि साहब आपके जो जयपुर की सामान्य विशेषताएं बताइए। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि साहब जयपुर है इसकी सामान्य विशेषताएं क्या क्या है, इन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये करंट जीके में जुड़ जाता है। ठीक दोस्तों, सब आपकी जो सब किस में जुड़ जाता है? ये करंट जीके में सब आपके जुड़ जाता है। सामान्य विशेषताओं को ले लेते हैं यहाँ से अपडेट। फिर बात है साहब आपके जयपुर की सामान्य विशेषता क्या होगी, तो फिर साहब आपकी पहली विशेषता क्या होगी? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। ठीक, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा? जयपुर। ठीक, जयपुर राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। सब समझ दोस्तों, देखो जयपुर राजस्थान में तो प्रथम है सर्वाधिक जनसंख्या में। ठीक, राजस्थान में तो है प्रथम और भारत में है दसवां स्थान। समझना दोस्तों, जयपुर राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो सब आपके ये भारत का दसवां ऐसा जिला है या दसवां ऐसा स्थान है सब आपके जहां सर्वाधिक जनसंख्या है। समझ जाओगे ना? तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में प्रथम है और भारत में दसवें स्थान पर है जयपुर। ठीक, दूसरी बात सब आपके सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला वो भी कौन सा होगा? जयपुर। और पूछा जाएगा कि जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 595। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला साहब कौन सा हुआ? जयपुर। और सर्वाधिक साहब आपके जन घनत्व वाला जिला भी कौन सा साहब आपके दोस्तों? जयपुर। 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जयपुर की अगली विशेषता क्या है दोस्तों? साहब सामान्य विशेषता है। क्लियर। तब आपके नंबर तीन, भारत का दूसरा मेट्रो शहर। भारत का दूसरा मेट्रो शहर। भारत का दूसरा मेट्रो शहर
किसे कहा जाता है? जयपुर को। अर्थात दोस्तों जयपुर राजस्थान का तो पहला तथा भारत का दूसरा ऐसा शहर है जहां मेट्रो सुविधा उपलब्ध है। एकदम क्लियर दोस्तों, जहां मेट्रो सुविधा उपलब्ध है। एकदम क्लियर दोस्तों, यहां तक दोस्तों कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं है ठीक। अच्छा फिर बात आती है आपके जयपुर में और क्या है, बात आती है कि जयपुर में और क्या है ठीक। तो राजस्थान का प्रथम संस्कृत विद्यालय विश्वविद्यालय, राजस्थान का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय, राजस्थान का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय ये भी कहाँ है? जयपुर में ठीक। राजस्थान का प्रथम होम्योपैथी विश्वविद्यालय, राजस्थान का प्रथम होम्योपैथी विश्वविद्यालय ये भी कहाँ है? जयपुर में ठीक। राजस्थान का प्रथम स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, राजस्थान का प्रथम स्वास्थ्य विश्वविद्यालय ये भी कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में, राजस्थान का प्रथम स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जयपुर में, क्लियर। राजस्थान का प्रथम होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर में, एकदम क्लियर। फिर साहब आपके ध्यान रखना कि साहब जयपुर में और क्या है, बात आती है कि साहब आपके जयपुर में और क्या है, जयपुर और साहब कहाँ है ठीक। तो साहब समझना, राजस्थान की प्रथम डीएनए, राजस्थान की प्रथम डीएनए टेस्ट प्रयोगशाला ठीक, राजस्थान की प्रथम डीएनए टेस्ट प्रयोगशाला वो भी कहाँ है? जयपुर में ठीक। राजस्थान की तो पहली और भारत की दूसरी है, राजस्थान की तो पहली और भारत की दूसरी टेस्ट डीएनए टेस्ट प्रयोगशाला था आपके कहाँ है? लैब मतलब कहाँ है आपके? जयपुर में है। फिर बात आती था आपके जयपुर में और क्या है ठीक। राजस्थान का प्रथम बोन मेरो, रीढ़ की हड्डी ठीक, राजस्थान का प्रथम बोन मेरो ट्रांसप्लांट, राजस्थान का प्रथम बोन मेरो ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल ठीक, राजस्थान का प्रथम बोन मेरो ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल ठीक दोस्तों वो भी कहाँ है आपके? जयपुर में, क्लियर। जहाँ रीढ़ की हड्डी का प्रत्यारोपण होता है और वो कौन सा अस्पताल है? SMS अर्थात सवाई मानसिंह अस्पताल है दोस्तों साहब आपके। ये राजस्थान का प्रथम बोन मेरो ट्रांसप्लांट स्थापित किया गया है, एकदम क्लियर। क्या समझ जाओगे दोस्तों? अगली बात साहब आपके समझना दोस्तों, फिर बात आती है कि साहब आपके जो जयपुर हैं और साहब जयपुर में और क्या है, समझना दोस्तों जयपुर में और क्या है। मंदिरों की अधिकता के कारण, क्लियर दोस्तों। देखो राजस्थान में राजस्थान की जो पहली काशी है ना वो तो है जिला बूंदी, कौन सी है? जिला बूंदी। और राजस्थान की तब आपकी जो दूसरी काशी है वो है जयपुर ठीक। मंदिरों की अधिकता के कारण तब आपके जयपुर को राजस्थान की दूसरी काशी कहा जाता है ठीक। और दोस्तों जयपुर में एक स्थान है गलताजी, जयपुर में एक स्थान है दोस्तों, उसका नाम क्या है? गलताजी ठीक। और इस गलताजी को कहा जाता है जयपुर की काशी ठीक। इस सब आपके से क्या कहा जाता है? जयपुर की काशी, समझ जाओगे ना भाई। राजस्थान की दूसरी काशी तो जयपुर, और जयपुर की काशी गलताजी ठीक। और इस जयपुर में दोस्तों एक स्थान है, नाम है गेनोर, क्या नाम है? गेनोर। और इस गेनोर को कहा जाता है जयपुर का मथुरा, सब आपके इसे क्या कहा जाता है? जयपुर का मथुरा, एकदम क्लियर क्या? तो मंदिरों की अधिकता के कारण जयपुर राजस्थान की दूसरी काशी कहलाता है। तो गेटोर जयपुर की काशी और गेनोर साहब आपके दोस्तों, सॉरी गलताजी जयपुर की काशी और गेनोर साहब आपके जयपुर का मथुरा कहलाता है दोस्तों, ये याद रखना, एकदम क्लियर दोस्तों। फिर बात आती है कि साहब इसके अलावा साहब आपके जो जयपुर है वो साहब आपके कहाँ प्रसिद्ध होगा, एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जयपुर साहब आपके इसके अलावा कहाँ प्रसिद्ध होगा, तब समझना। राजस्थान का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज, एकदम क्लियर समझना। राजस्थान का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज ठीक सब आपके ये भी कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में ठीक। राजस्थान का पहला महिला डाकघर,
ठीक, राजस्थान का पहला महिला डाकघर अब ये भी कहाँ स्थापित किया गया है, जयपुर में। राजस्थान का प्रथम महिला बैंक, ठीक, राजस्थान का प्रथम महिला बैंक सब आपके ये भी कहाँ स्थापित किया गया है, जयपुर में। ठीक, राजस्थान में सर्वाधिक कुओं से सिंचाई, वो भी कहाँ होती हैं, जयपुर में। तो राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन सब आपके वो भी कहाँ होता है, जयपुर में होता है। राजस्थान का पहला स्टॉक एक्सचेंज जयपुर में है। ठीक, सर्वाधिक कौन सी जगह होती है, जयपुर में होती है। महिला डाकघर जयपुर में है, क्लियर, महिला बैंक जयपुर में है, एकदम क्लियर। अच्छा, तब आपके इसके अलावा दोस्तों सर्वाधिक कौन सी सिंचाई कहाँ होती है, जयपुर में होती है। ठीक, फिर तब आपकी बात आती है कि राजस्थान का पहला पक्षी चिकित्सालय, क्लियर दोस्तों, तब समझना, राजस्थान का प्रथम पक्षी चिकित्सालय ठीक, वो भी कहाँ है, जयपुर में। ठीक, राजस्थान का प्रथम महिला रोजगार कार्यालय ठीक दोस्तों, साहब आपके ये भी कहाँ है, जयपुर में। राजस्थान का प्रथम महिला रोजगार कार्यालय साहब आपके ये भी कहाँ है, साहब आपके जयपुर में है, एकदम क्लियर दोस्तों। अगर दोस्तों साहब आपके यहाँ तक कोई डाउट हो तो साहब पूछ लीजिए आप कि सर यहाँ तक कोई डाउट है, दोबारा बताइए, एकदम क्लियर दोस्तों। अगली बात, फिर दोस्तों बात आती है कि इसके अलावा साहब आपके सब आपके और क्या है, सब समझना, अब सब समझना दोस्तों। अगली बात दोस्तों, जयपुर में एक स्थान है दुर्गापुरा। और दोस्तों यहाँ दुर्गापुरा में राजस्थान का प्रथम कृषि म्यूजियम स्थापित किया गया है, क्लियर। जयपुर में साहब आके एक स्थान है दुर्गापुरा, और यहाँ राजस्थान का प्रथम कृषि म्यूजियम स्थापित किया गया है, समझ रहे हो दोस्तों। राजस्थान का जो प्रथम कृषि म्यूजियम है, इसकी स्थापना कहाँ की गई, साहब आपके दुर्गापुरा में। दुर्गापुरा जयपुर में आता है साहब आपके। यहाँ राजस्थान का प्रथम कृषि म्यूजियम स्थापित किया गया है, एकदम क्लियर किया। ठीक, फिर बात आती है कि जयपुर में और क्या प्रसिद्ध है, ठीक, साहब आपके जयपुर में एक गाँव है और उस गाँव का नाम है नाइला गाँव। ठीक, और दोस्तों जो नाइला गांव है ना, ये राजस्थान का प्रथम इंटरनेट से जुड़ने वाला गांव है। ठीक, जो सब आपके इंटरनेट से जुड़ने वाला गांव है, एकदम क्लियर। नाइला गांव राजस्थान का प्रथम इंटरनेट से जुड़ने वाला गांव है। ठीक, बिल क्लिंटन इस गांव में आए थे, अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन इस गांव में आए थे, और साहब आपके उनके शासनकाल में, साहब आपके उनके कार्यकाल में, साहब आपके से इंटरनेट से जुड़ा गया था, उस समय साहब आपके बहुत प्रसिद्ध हुआ था, एकदम क्लियर। फिर साहब आपकी बात आती है, इसके अलावा साहब आपके क्या है, ठीक, फिर आप क्या बताओगे कि दोस्तों राजस्थान में साहब आपके दोस्तों जयपुर में साहब आपके एक स्थान है, नाम है काला डेरा, एकदम क्लियर दोस्तों। जयपुर में एक स्थान है और उसका नाम है काला डेरा। ठीक, और पूछा जाए काला डेरा क्यों प्रसिद्ध है, तो आप क्या बताओगे, राजस्थान का प्रथम साइबर कियोस्क कहाँ है आपके जयपुर में काला डेरा में। और सब आपके बात आते हैं, सब कोकस क्यों प्रसिद्ध है, तो राजस्थान का प्रथम हार्डवेयर पार्क
क्लियर। राजस्थान का प्रथम हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, क्लियर दोस्तों, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, क्लियर। वो भी कहाँ है, जयपुर में है, कूकस में, सांगानेर, ठीक दोस्तों। जो सांगानेर है ना, इसका प्राचीन नाम था मौजमाबाद, क्या नाम था, मौजमाबाद, एकदम क्लियर। और राजस्थान का जो पहला हवाई अड्डा है, ठीक, जो राजस्थान का जो पहला हवाई अड्डा है, राजस्थान का साहब आपके जो पहला हवाई अड्डा है साहब आपके, वो कहाँ है साहब आपके दोस्तों, कहाँ है साहब आपके, सांगानेर में है, ठीक दोस्तों। साहब आपके साथ जो सांगानेर है ना साहब आपके, इसी सांगानेर में भारमल और अकबर की मुलाकात हुई थी, इसी सांगानेर में भारमल और अकबर की प्रथम मुलाकात हुई थी दोस्तों। ये प्रथम मुलाकात राजस्थान के संदर्भ में है, भारमल और अकबर की प्रथम मुलाकात सांगानेर में हुई थी। पूछा जाए कब हुई थी, तो आप क्या बताओगे, 20 जनवरी 1562 को हुई थी। तब कब हुई थी, 20 जनवरी 1562 को हुई थी। और पूछा जाए था किसने कराई थी, तो आप क्या बताओगे, चुगतई खां ने करवाई थी। किसने करवाई थी, चुगतई खां ने करवाई थी, याद रखना, ठीक। और दोस्तों साहब आपके इसी सांगानेर में संत रज्जब जी का स्मारक है, इसी सांगानेर में संत रज्जब जी का स्मारक है, समझ जाओगे ना, इसी सांगानेर में आपके संत रज्जब जी का स्मारक है। ठीक, रज्जब जी का स्मारक है, ठीक। और दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि जो संत रज्जब जी हैं, इनके गुरु का नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे कि संत रज्जब जी के गुरु का नाम है दादूदयाल, क्या नाम है, दादूदयाल, ठीक। और दोस्तों साहब जो दादूदयाल है ना, इनकी कर्म भूमि तो थी जयपुर राजस्थान, क्लियर दोस्तों, इनकी कर्म भूमि तो राजस्थान थी, और इनकी जन्म भूमि थी साहब आपके दोस्तों अहमदाबाद, ठीक। और ये प्रश्न आता है कि भक्ति काल का वो कौन सा संत है जिसकी कर्म भूमि तो राजस्थान और जन्मभूमि अहमदाबाद रही हो, दादूदयाल। और दादू जो दोस्तों जो दादूदयाल है ना, इन दादूदयाल के द्वारा साहब आपके फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की गई थी, ठीक। इनके द्वारा फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की गई थी, ठीक। इनके द्वारा फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की गई थी। और पूछा जाए कि जो फतेहपुर सीकरी है, इस फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार कौन है, तो बहाउद्दीन को फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार कहा जाता है। और विंसेंट स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस कहा है, मेरे विद्वान साथियों, समझोगे ना, फतेहपुर सीकरी साहब आपके क्या कहा गया है, पत्थर में ढाला गया रोमांस कहा गया है, एकदम क्लियर। फिर साहब आपकी बात आती है कि जयपुर में और क्या प्रसिद्ध हैं, एकदम क्लियर, बात आती है कि जयपुर में और क्या प्रसिद्ध हैं, तो दोस्तों जयपुर में एक स्थान है और उसका नाम है रूपा की नांगल, जयपुर में एक स्थान है और उस स्थान का नाम क्या है, रूपा की नांगल, ठीक। और बात आती है कि साहब रूपा की नांगल क्यों प्रसिद्ध है, तो राजस्थान का प्रथम सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, राजस्थान का प्रथम सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, क्लियर। राजस्थान का जो प्रथम सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है वो साहब कहाँ है, जयपुर में है, रूपा की नांगल में, ठीक दोस्तों। जयपुर में एक स्थान है साबी, ठीक। और दोस्तों जो साबी है ना, ये सब आपके क्यों प्रसिद्ध है, तो आप क्या बताओगे साहब, आपके साबी से शुंग और कुषाण, ठीक, साबी से शुंग और कुषाण काल के अवशेष मिले हैं, ठीक साहब, इसे शुंग और कुषाण काल के अवशेष मिले हैं, एकदम क्लियर। और दोस्तों साहब आपकी बात आती है कि जो शुंग वंश है, इस शुंग वंश का संस्थापक कौन है, पूछा जाए कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताओगे, पुष्यमित्र शुंग, ठीक, शुंग वंश का संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग, एकदम क्लियर। और बात आती है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, ठीक,
जो कुषाण वंश है इसका साफ संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताओगे कि जो कुषाण वंश है इसका संस्थापक है कुजुल कड़फिसस। क्लियर, कुजुल कड़फिसस को साहब आपके कुषाण वंश का संस्थापक कहा जाता है। और जो कुषाण है ना ये चीन के थे। कुषाण साहब कहाँ के थे, चीन के थे। और पूछा जाए आप चीन में कहाँ से थे, ठीक, कुषाण चीन से थे और साहब आपके चीन में यूची कबीले से थे। साहब किससे थे, चीन में ये यूची कबीले से थे। एकदम क्लियर है दोस्तों, ठीक। और दोस्तों इसी शुंग वंश में, इसी शुंग वंश में एक शासक हुआ था, नाम था अग्निमित्र। क्या नाम था, अग्निमित्र, ठीक। और दोस्तों जो अग्निमित्र है ना इसकी दासी का नाम था मालविका। जो अग्निमित्र है ना इसकी दासी का नाम था मालविका, ठीक। क्या नाम था, मालविका। दोनों में हो गया प्रेम, क्या हो गया, प्रेम। क्लियर, और इन दोनों के साथ आपके जो प्रेम कथा है उसे कहा जाता है मालविकाग्निमित्रम। साहब आपके क्या कहा जाता है, मालविकाग्निमित्रम, ठीक। और पूछा जाए कि जो मालविकाग्निमित्रम है वो क्या है, कालिदास का प्रथम नाटक। जो मालविकाग्निमित्रम वो क्या है, कालिदास का प्रथम नाटक। क्लियर, तो पूछा जाए कि कालिदास का अंतिम नाटक कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम। जो कालिदास है इनका अंतिम नाटक कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक। तो साहब आपके बात था, कालिदास ने कितने नाटक लिखे थे, तीन। कितने लिखे थे, तीन। पहला नाटक मालविकाग्निमित्रम, क्लियर। फिर बात आती है कि दूसरा नाटक कौन सा होगा, तो विक्रमोवर्षीयम, ठीक। दूसरा कौन सा होगा, विक्रमोवर्षीयम, समझ जाओगे ना, ठीक। पहला तो है मालविकाग्निमित्रम, दूसरा है विक्रमोवर्षीयम और तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। समझ जाना दोस्तों अच्छी तरह, आप सब विद्वान साथी हों, ठीक। फिर बात आती है कि साहब आपके जयपुर में इसके अलावा क्या प्रसिद्ध है, तो दोस्तों जयपुर में एक स्थान है, जयपुर में एक स्थान है और उस स्थान का नाम है बस्सी। क्या नाम है, बस्सी, ठीक। और पूछा जाता है आपकी बस्सी क्यों प्रसिद्ध है, तो राजस्थान का प्रथम, राजस्थान का प्रथम जर्म प्लाज्मा केंद्र, प्लाज्मा केंद्र। क्लियर, राजस्थान का प्रथम जर्म प्लाज्मा केंद्र। क्लियर दोस्तों, अब आपके वो कहाँ स्थापित किया गया है, बस्सी में, समझे ना। एक बस्सी चित्तौड़ में है जो लकड़ी के खिलौड़ों के लिए प्रसिद्ध है, एक बस्ती जयपुर में है जो जर्म प्लाज्मा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि साहब आपके जयपुर में और क्या है, तो साहब आपके जयपुर में एक स्थान है, क्लियर दोस्तों, जयपुर में एक स्थान है और उसका नाम है मोहाना। जयपुर में एक स्थान है, नाम है मोहाना। और दोस्तों जो मोहाना है ना इसे कहा जाता है राजस्थान की सबसे बड़ी सब्जी मंडी। जो मोहाना है सब आपके इसे कहा जाता है राजस्थान की सबसे बड़ी सब्जी मंडी। जयपुर में एक स्थान है, नाम है मोहाना और इसे कहा जाता है राजस्थान की सबसे बड़ी सब्जी मंडी, ठीक। तो सब आपके जयपुर में एक स्थान है चौमू, जयपुर में एक स्थान है चौमू। और दोस्तों राजस्थान की प्रथम आंवला मंडी, राजस्थान की प्रथम आंवला मंडी, ठीक। सब आपके वो कहाँ स्थापित की गई है, जयपुर में, समझ जाओगे ना, चौमू जयपुर में सब आपके राजस्थान की प्रथम आंवला मंडी स्थापित की गई है। एकदम क्लियर क्या, ठीक। फिर बात आती है कि साहब जयपुर में साहब इसके अलावा क्या है, ठीक दोस्तों, बात आती है कि जयपुर में साहब इसके अलावा और क्या प्रसिद्ध है, ठीक। साहब आपके जयपुर में एक स्थान है, साहब आपके दोस्तों जयपुर में एक स्थान है और दोस्तों या तो एकदम क्लियर दोस्तों। फिर बात आती है साहब आपके जयपुर में साहब और क्या है, साहब आपके साहब जयपुर में एक स्थान है और उसका नाम है काला डेरा। जयपुर में एक स्थान है उसका नाम है काला डेरा। और पूछा जाए कि जो काला डेरा है साहब आपको किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों काले संगमरमर, काले संगमरमर का प्रमुख केंद्र। क्लियर, काले संगमरमर का प्रमुख केंद्र था वो आपके क्या है, आपके काला डेरा, समझ जाओगे ना, काले संगमरमर का प्रमुख केंद्र साहब आपके क्या है दोस्तों, आपके काला डेरा। एकदम क्लियर। अच्छा साहब आपके ध्यान रखना, जो काला डेरा है ना दोस्तों, जो काला डेरा है इस काला डेरा के साथ आप एक नाम वो लिख लेना और वो है भैंस लाना। एक नाम लिख लेना, भैंस लाना, भैंस लाना और काला डेरा। एकदम क्लियर, दो ऐसे केंद्र था आपके जो काले संगमरमर के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। फिर बात आती है कि साहब आपके यहाँ एक स्थान है उसका नाम है मानपुरा माचेड़ी।
क्या नाम है, मानपुरा माचेड़ी। और पूछा जाए कि जो मानपुरा माचेड़ी है वो साहब किसके लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा उद्योग के लिए। जो मानपुरा माचेड़ी है वो साहब आपके क्या है, राजस्थान में चमड़ा उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है, लेदर का साहब आपके जो प्रमुख केंद्र था वो आपको कौन सा है, मानपुरा माचेड़ी। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि इसके अलावा जयपुर में और क्या प्रसिद्ध है। दोस्तों जयपुर बहुत बड़ा है, एकदम क्लियर। जयपुर में साहब क्या प्रसिद्ध है, तो जब जयपुर में एक स्थान है और उसका नाम है कानोता। जयपुर में एक स्थान है उसका नाम क्या है, कानोता। ठीक। फिर आप बताती थे जयपुर में साहब आपके कानोता क्यों प्रसिद्ध है, तो राजस्थान का प्रथम मछली उत्पादक बांध, राजस्थान का प्रथम मछली उत्पादक जो बांध है वो कहाँ है साहब आपके, कानोता में। राजस्थान का जो प्रथम मछली उत्पादक बांध है ना साहब आपके, वो कहाँ है, कानोता में है। समझ जाओगे ना, राजस्थान का जो प्रथम मछली उत्पादक बांध साहब वो कहाँ है आपके दोस्तों, कानोता में है। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि इसके अलावा साहब आपके जो जयपुर है साहब आपके, वो साहब क्यों प्रसिद्ध है, तो साहब जयपुर में एक स्थान और है और उसका नाम है फुलेरा। जयपुर में एक स्थान और है और दोस्तों उसका नाम है फुलेरा। ठीक। और पूछा जाए साहब फुलेरा क्यों प्रसिद्ध है, तो राजस्थान भारत और एशिया, राजस्थान भारत और एशिया का सबसे बड़ा, राजस्थान भारत और एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज, राजस्थान भारत और एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज का रेलवे यार्ड, राजस्थान भारत और एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज का रेलवे यार्ड तब आपके कहाँ है दोस्तों, तब आपके जयपुर में है, फुलेरा में है। ठीक दोस्तों, जयपुर में एक स्थान है, नाम है सीतापुरा। जयपुर में एक स्थान है सीतापुरा, क्लियर। और दोस्तों राजस्थान का जो प्रथम आयात निर्यात, समझो दोस्तों राजस्थान का साहब आपके जो प्रथम आयात निर्यात पार्क है, राजस्थान का जो प्रथम आयात निर्यात पार्क है, क्लियर दोस्तों, उसकी स्थापना कहाँ की गई दोस्तों, आपके सीतापुरा में की गई है। समझ जाओगे क्या, राजस्थान का प्रथम आयात निर्यात पार्क जो पार्क था आपके, वो सब कहाँ है आपके दोस्तों, दोस्तों कहाँ है आपके, सीतापुरा में है। ठीक दोस्तों। फिर बात आती है कि इसके अलावा साहब आपके जयपुर में और क्या प्रसिद्ध है, पूछा जाएगा कि साहब आपके इसके अलावा जयपुर में और क्या प्रसिद्ध है, एकदम क्लियर। तो साहब समझना कि जयपुर में एक स्थान है उसका नाम है सिलोरा, जयपुर में एक स्थान है और उसका नाम है सिलोरा। और पूछा था सिलोरा क्यों प्रसिद्ध है, तो आप क्या बताओगे, राजस्थान का प्रथम, ठीक, राजस्थान का प्रथम टेक्सटाइल पार्क, ठीक, राजस्थान का प्रथम टेक्सटाइल जो पार्क है वो सब आपके कहाँ है, सिलोरा में है। समझोगे ना, राजस्थान का जो प्रथम टेक्सटाइल पार्क है साहब आपके, वो कहाँ है, सिलोरा में है। समझो दोस्तों। ठीक दोस्तों, साहब आपके ये थी साहब आपके जयपुर की विशेषताएं और साहब आपके जयपुर की सामान्य जानकारी। ठीक। फिर बात आती है कि जयपुर की जनसंख्या कितनी है, बात आती है कि साहब आपके जयपुर की जनसंख्या कितनी है। ठीक तो दोस्तों, वर्ष 2011 के अनुसार, वर्ष 2011 के अनुसार जो संपूर्ण जयपुर जिला है दोस्तों, तब आपके जो सब वर्ष 2011 के अनुसार जो जयपुर संभाग है, क्लियर दोस्तों, दोस्तों अब देखो अगर जयपुर की जनसंख्या की बात करते हैं तो साहब आपके दोस्तों यहाँ की जो जनसंख्या है वो लगभग 30 लाख के आसपास है साहब, कितनी है, 30 लाख के आसपास। ठीक। लेकिन अगर संपूर्ण जयपुर की बात कर लें, ठीक, ये तो साहब आपके जयपुर शहर हो गया और साहब आपके ये हो गया जयपुर ग्रामीण। ठीक, ये तो जयपुर और जयपुर ग्रामीण, तो अगर जयपुर शहर की बात करें तो 30 लाख, और अगर जयपुर ग्रामीण की भी जोड़ लेते हैं, जयपुर ग्रामीण की भी जोड़ लेते हैं तो लगभग 66 लाख 26 हज़ार 178 हो जाती है, क्लियर। तो संपूर्ण जयपुर की जनसंख्या की बात करें तो 66 लाख 26 हज़ार 178 हो जाती है। जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है, 595, जो जयपुर है यहाँ का साहब आपके जो जनसंख्या घनत्व साहब कितना है, 595। जयपुर का लिंगानुपात कितना है, पूछा जाए कि जयपुर का लिंगानुपात कितना है, तो आपके बताओगे 910। पूछा जाए कि जो जयपुर है यहाँ का लिंगानुपात कितना है, तो आप क्या बताओगे, 910। एकदम क्लियर।
फिर बात आती है कि साहब आपके जयपुर की साक्षरता कितनी है, बात आती है कि साहब जयपुर में औसत साक्षरता कितनी है, ठीक है, बात आती है आपके जो जयपुर है यहाँ की साक्षरता का प्रतिशत क्या है, तो आप क्या बताओ कि साहब आपके जयपुर में 75.50% साक्षरता है, ठीक। अच्छा पूछा जाए कि पुरुष साक्षरता कितनी है, ठीक, पूछा जाए कि जयपुर में पुरुष साक्षरता कितनी है, तो आप क्या बताओगे 86.10%, ठीक। और पूछा जाए कि महिला साक्षरता कितनी है, पूछा जाए कि महिला साक्षरता कितनी है, तो लगभग 64%, कितनी साहब आपके लगभग 64% है, एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक तो, ठीक। फिर बात आती है कि जयपुर ज़िले की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, दशकीय वृद्धि दर, पूछा जाएगा कि जयपुर की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, ठीक, पूछा जाए कि जयपुर की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, ठीक, तो आप क्या बताओगे कि लगभग 26.20% जयपुर की दशकीय वृद्धि दर है, समझ जाओगे दोस्तों, पूछा जाए कि जयपुर की दशकीय वृद्धि दर कितनी है 26.20%। और पूछा जाए कि जयपुर का क्षेत्रफल कितना है, तो आप क्या बताओगे 11,143 वर्ग किलोमीटर, कितना बताओगे 11,143 वर्ग किलोमीटर, एकदम क्लियर दोस्तों। ये था जयपुर जिला और जयपुर जिले की विशेषताएं, ऐतिहासिक व्यक्तित्व, एकदम क्लियर दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम दोस्तों जयपुर की और बातों पर चर्चा करेंगे। आप जीवन में खूब तरक्की करें, खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, और दोस्तों इसी मेहनत के साथ अपने जीवन के सपनों को साकार करें। काव्य परिवार की ओर से मैं आशीष शर्मा ऐसी शुभकामना देता हूँ, ऐसा आपको आभार व्यक्त करता हूँ, ठीक। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अधिक से अधिक संख्या में इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में अनिवार्य रूप से दें, एकदम क्लियर दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।